कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपना हालचाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। दोस्तों आ गए हैं आप, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो कुछ था ही नहीं, सॉरी। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक ऐसे यूट्यूबर की जिनके चैनल का नाम है अतीक पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं अतीक भाई से, उनसे मेरा एक पहला कोलैबोरेशन वीडियो है। तो आज हम उनसे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी है। उनका भी एक टेक का चैनल है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं और अच्छे वीडियो बनाते हैं और काफी अच्छी 1 मंथ में उन्होंने काफी अच्छी ग्रोइंग भी की है, काफी अच्छे ग्रो वो कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनसे कुछ सवाल जवाब क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल न्यू टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आने की सूचना मिलती रहेगी। उसी के साथ साथ मैं अतीक पॉइंट चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप भी उनका चैनल देखिए और काफी अच्छा चैनल है उनका, आप उन पर जरूर जाइए और जरूर बताइए। तो चलिए सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। भाई आपसे मेरा पहला और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप और आपका परिवार, आपकी फैमिली कैसे हैं और कहां पर रहते हो आप? शंकर कुवावत भाई, मैं अच्छा हूं, मेरी फैमिली भी अच्छी है। आप जैसे भाइयों का सपोर्ट है तो भाई अच्छे ना होने का सवाल ही नहीं होता है। और भाई इनने ये भी पूछा कि आप कहां रहते हो, तो मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश सीतापुर में, और मुझे आपके चैनल पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। आपकी वीडियोस मैंने देखी, आपकी वीडियोस भी काफी अच्छी लगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपको बहुत बहुत थैंक्स की जो आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो आपका जो इंटरेस्ट है वो टेक में ही कैसे आया, टेक्नोलॉजी में ही कैसे आया? आप और अदर कैटेगरी के वीडियो बना सकते थे, जैसा कि मैंने सुना है कि आप और भी, जैसे आपके पिताजी शायर हो और आप भी और अदर काम करते हैं, तो उसका नॉलेज भी आपको काफी अच्छा है, तो वो नॉलेज भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा आपका इंटरेस्ट जो सीधा टेक पर ही क्यों पड़ा? तो मेरा इस चैनल सवाल का सेकेंड सवाल ये है। तो शंकर भाई ने मुझसे पूछा कि आपका इंटरेस्ट टेक चैनल में ही क्यों है, और आप इससे अलग भी कुछ बना सकते थे, लोगों को कुछ अलग करके दिखा सकते थे, जैसे कि आपके पापा एक शायर हैं, आप उससे रिलेटेड कुछ लोगों को बता सकते हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं काफी समय से यूट्यूब पर वीडियोस देखता रहता था। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो लोगों की समझ में नहीं आती हैं, लोग उसे नहीं कर पाते हैं, तो मैं इसी तरह के चैनल पर अपनी वीडियोस लाता रहता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि कुछ नई क्रिएटिविटी दिखाई जाए, कुछ नई एक्टिविटी दिखाई जाए जो लोगों को पसंद आए। तो भाई इसी को लेकर मैंने एजुकेशन यानी कि टेक चैनल खोल दिया। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपने जो अपने चैनल का नाम है वो अतीक पॉइंट ही क्यों रखा? जो आपके चैनल का ये नाम है, आपने अतीक पॉइंट ही क्यों रखा? कहां से आपको इसके लिए इंस्पिरेशन मिली? आपके गाइड कौन है और कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली? तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने चैनल का नाम अतीक पॉइंट क्यों रखा। मेरा खुद का नाम है अतीक, और मैंने सोचा कि आगे चैनल का नाम क्या लगाया जाए, तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा और पॉइंट लगा दिया। अब मैंने पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे वो सभी पॉइंट की बातें लोगों को क्लियर कर सकूं, जो मेरा एजुकेशन का चैनल है मैं उसमें कुछ नया दे सकूं लोगों को, वो वीडियो एडिटिंग हो या किसी भी चैनल, कुकिंग हो या टेक्नोलॉजी हो या फिर वो किसी भी क्रिएटिव कैटेगरी का चैनल हो, मैं उससे रिलेटेड इस पे वीडियोस डालता रहूंगा, उसकी एडिटिंग डालता रहूंगा। बस इसी को लेकर मैंने अपने चैनल का नाम अतीक पॉइंट रखा। मेरा चौथा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको YouTube के लिए किसने गाइड किया, किसने बताया कि हम YouTube पर ही जाए? और भी तरीके थे आपको अपने बिजनेस को फैलाने के, अपना हुनर बाहर लाने का, कंपनीज वगैरह हुई या फिर और भी कई तरीके थे? उसी के साथ आपको YouTube करने का ही कैसे आइडिया आया, किसने आपको आइडिया दिया, किससे देख रहा आपने सब सीखा और टेक के बारे में आपका ज्यादा इंटरेस्ट हुआ, और किसने आपको YouTube के बारे में इतना सब कुछ बताया और कैसे आप गाइड हुए और कैसे आपने इतना सक्सेसफुल चैनल बनाया? तो भाई ने मुझसे पूछा कि आपको YouTube पे आने का आइडिया कहाँ से आया या ऑनलाइन अर्निंग करने का आइडिया कहाँ से आया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे बेसिकली आइडिया अगर आया है तो वो फोन से ही आया है। मेरे पास एक छोटा सा फोन था Itel का, जो मैं वो यूज करता था, उसमें जावा सपोर्ट था, मैं वहीं पे वीडियोस वगैरह देखता रहता, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। बट मैंने एक दिन सोचा कि इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ पर लोग वीडियोस वगैरह डालते हैं, इनका वीडियो डालने से फायदा क्या होता है, और मैंने सर्च किया गूगल पर कि इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाए। तो मैंने देखा तो वहां पर मुझे एक रिजल्ट आया, ब्लॉगर से पैसा कैसे कमाया, तो मैंने ब्लॉगर देखा तो वहां पे लोग रिटर्न वगैरह करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, मुझे ये कुछ आइडिया अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर क्यों ना सर्च किया जाए, यूट्यूब पर कोई ना कोई आइडिया जरूर मिलेगा कैसे पैसा कमा सकते हो। तो वहां पर मुझे पता चला कि यूट्यूब पर पैसा कैसे कमाए, तो वहां पे सब पूरी डिटेल पता की। भाई फोन तो मेरे पास अच्छा था ही नहीं कि मैं उससे वीडियो बना सकता, डाल सकता, तो भाई मैंने 2 महीने कुछ सिलाई में ही मेहनत की, और मेहनत करने के बाद अपना एक नया फोन ले लिया।
और फिर वहां पे कुछ नॉलेज मैंने गेन की और मैंने फिर एक नया यूट्यूब चैनल बना लिया जो आप लोगों की आगे बहुत हेल्प करेगा, और उम्मीद करते हैं कि साथ में हम सब मिलकर बहुत आगे जाएंगे। तो आपसे मेरा पांचवा और आखिरी सवाल यही है की आपको हमारे चैनल न्यूटेक इजी पर आकर कैसा लगा, और कैसा लग रहा आपको हमारा चैनल, इसके बारे में हमें बताए कि किस किस तरह का लगा आपका आपको हमारा चैनल। तो प्लीज बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा चैनल। तो शंकर कुमावत भाई, आपके चैनल पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस आप देते हो अपने व्यूवर से। तो आपके व्यूवर से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं और भाई आपको कुमावत भाई बहुत कुछ सिखाते रहेंगे, और उनके चैनल पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आप सब भी उनके साथ एक्टिव रहना, ये आगे बहुत ही अच्छी अच्छी आपको वीडियोस देते रहेंगे। दोस्तों ये थी जो मेरी फर्स्ट कोलेबरेशन जो जिसमें हमने अतिक भाई से सवाल जवाब किए, तो काफी अच्छा इनका वीडियो है, और हैशटैग अतिक पॉइंट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इनका मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातों के लिए, और हम नेक्स्ट कोलैब में फिर से मिलेंगे। और टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी प्यारी प्यारी दिल की बातें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।